ये फोन, ये ऑन हो गया। तो उसमें B2B कनेक्टर की प्रॉब्लम थी, वाटर डैमेज भी था ये वाला सेट। तो इसको मैंने ट्रेस किया और वो कनेक्टर को चेंज करके मैंने इसको ऑन किया, ट्रेस करके इसको फॉल्ट फाइंड किया और ये अभी वर्क कर रहा है प्रॉपर। मेरा नाम रिनाल पारेख है, मैं कोलकाता से आया हूँ और मैं ये रिपेयरिंग लाइन में एकदम फ्रेशर हूँ। पहले मेरा बाइंग एंड सेलिंग का काम था, वो अमेज़न से हम लोग का डायरेक्टली होता था, बट मेरे को रिपेयरिंग लाइन में भी थोड़ा आगे जाना था क्योंकि हमारे पास कई सारे हैंडसेट आते थे जो ख़राब होते थे। तो जैसे कि ये वाले फ़ोन में चार्जिंग की इशू थी, तो ये फ़ोन पूरा डेड था क्योंकि इसमें चार्ज भी नहीं हो रहा था। तो इसमें सर ने हम लोग को जैसे ट्रेसिंग कराई थी प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन, उसमें चार्जिंग ऐसी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी हम लोग ने सर ने करवाई थी। तो उसमें B2B कनेक्टर की प्रॉब्लम थी, वाटर डैमेज भी था ये वाला सेट। तो इसको मैंने ट्रेस किया और वो कनेक्टर को चेंज करके मैंने इसको ऑन किया और ये चार्ज भी हो रहा अभी। ये आप देख सकते हैं ये वाला अभी फ़ोन जो है अभी पूरे कम्प्लीटली ऑन है ये वाला, तो ये अच्छे से चार्ज भी हो रहा है, 78% चार्ज भी है ये वाला। और ये वाला फ़ोन जो है ये है Redmi Y1, इसमें नेटवर्क की ये दिक्कत थी, तो इसमें WTR IC की दिक्कत थी, तो इसमें मैंने WTR IC चेंज की, रिबॉल की है उसमें डाली और इसमें अभी जो टावर का प्रॉब्लम है वो इशू सॉल्व हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सूजी सर काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर कोई फ्रेशर भी हो तो उनको काफ़ी मतलब अच्छा भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो जो एक एक कॉम्पोनेंट होते हैं IC होते हैं सारे के सारे बारे सबके बारे में डिटेल्स में बताए जाएंगे यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे से ट्रेसिंग कराते हैं वो, चाहे कोई सेक्शन वाइज हो या डेड फ़ोन हो, हर एक की एकदम अच्छे से ट्रेसिंग होती है। तो मैंने ये दो फ़ोन ऐसे ही मैंने किए ट्रेसिंग के हिसाब से और सुजीत सर ने भी काफ़ी हेल्प की है, तो थैंक यू सुजीत सर एंड विजय सर। मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 फ़ोन लाया था ट्रेसिंग के लिए, मुझे एक्चुअल में ट्रेसिंग कैसा करना है ये पता नहीं है। मैं रिपेयर तो बहुत सालों से कर रहा हूँ मगर ट्रेसिंग का कुछ नॉलेज नहीं था। यहाँ पे आके किस तरीके से ट्रेसिंग किया जाता है वो मैंने सीखा हूँ और मैंने 3 मोबाइल यहाँ पे रिपेयर भी कर दिया। डेड फ़ोन थे, किसी में ग्राफिक्स का प्रॉब्लम था वो मैंने रिपेयर किया, और कोई नेटवर्क इशू था वो मैंने रिपेयर किया। तो मैं आपके सामने बताता हूँ, ये फ़ोन ये ऑन हो गया है। सेकेंड फ़ोन है ये सैमसंग का, जो डेड शॉर्टिंग था प्राइमरी में ये फ़ोन है, और थर्ड फ़ोन है इसमें ग्राफिक्स का इशू था, ये MI का फ़ोन है Note 6, ये भी ऑन हो गया। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सुजीत सर को, जो इतना एडवांस लेवल में उन्होंने हम लोग को टीच किया है, सिखाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा महाराष्ट्र के लोगों को कि यहाँ पे आए और AK इन्फो में इंस्टीट्यूट में आके यहाँ से सीखे, वो अपनी अर्निंग बढ़ाए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ पे MSAP की क्लास ले रहा हूँ जो कि एंड्रॉयड मोबाइल कोर्स है, और हमारे यहाँ जो सुजीत सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आज के दिन ही एक ये सैमसंग का हैंडसेट आया है जिसमें चार्जिंग प्रॉब्लम थी, और जो कि इसमें ऐसा सीन था कि इसमें जो हमें डायग्राम वाइग्राम दिए जाते हैं वो भी नहीं था, उसमें भी इसका डायग्राम शो नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सुजीत सर के पास भी ये पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी और आज उन्होंने ये भी सॉल्व कर दिया, और अभी ये चार्ज भी हो रहा है, बिल्कुल ऑन भी है, सही कंडीशन में है। बिल्कुल चार्जिंग लगा रहे थे, कनेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ ऑन नहीं हो रहा था। रिपेयर हमने ऐसे किया कि जो सर ने हमें टेक्निक बताई थी चेकिंग की, वैसे हमने चेक किया, जहाँ तक हमें पता था, जहाँ तक उन्होंने बताया था हमने वैसे चेक किया, वैसे करके भी नहीं हुआ। तो हमने जब उनको बताया तो उनके पास भी ये नई तरीके की प्रॉब्लम गई, क्योंकि इसमें कंपनी ने कुछ अलग ही मर्ज कर रखा था जो कि हमारे पास डायग्राम में भी नहीं था, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। उसके बावजूद भी उनकी नॉलेज इतनी तगड़ी है कि उन्होंने देखा और खुद से मतलब ओके करके दिखा दिया, और अब से ये भी बता दिया कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना है। ये डेड पड़ा था काफ़ी टाइम से मेरे फ्रेंड के पास, उसने आज सुबह ही मेरे को ये दिया था और आज ये डेट में ही मैंने इसको ऑन कर दिया। इसमें VPS लाइन शॉर्ट थी, जो सर की गाइडेंस से हमने ट्रेस करके इसको फॉल्ट फाइंड किया और ये अभी वर्क कर रहा है प्रॉपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे टच वगैरह इसकी सही काम कर रही है, और काफ़ी अच्छा हमारे सुजीत सर और सुनील सर हमारे को अच्छे से गाइड करते हैं और प्रैक्टिकल थ्योरी सब अच्छे से पढ़ाते हैं। सुजीत सर को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे और AK इन्फो को भी थैंक यू ऑल। अच्छा सर, मैं एक और सवाल करना चाहूँगी आपसे, आपको क्या लग रहा है जो 5 साल में आप नहीं कर पा रहे थे, सर क्या मैजिक मिला आपको यहाँ पे कि आप इतने कम समय में फ़ोन वगैरह इतना धड़ाधड़ डेड फोन ऑन कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डीप नॉलेज दी जाती है, जो भी डायग्राम वगैरह भी
सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सर लाइन वाइज भी जो भी वी बैट वी वी एस वी पी एच बक लाइन एल डी ओ लाइन सब ए टू जेड आपको नॉलेज दी जाती है। ये नहीं है कि मोटा मोटा आपको पढ़ा दिया ऊपर से और डीप नॉलेज दी जाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। ये जो सैमसंग का फ़ोन है इसमें एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था, तो सर जी बोले से वो ट्रेसिंग करने के लिए वैसा ट्रेसिंग करके इसका शॉर्ट हटा दिया, अब ये ऑन हो गया है। सैमसंग है, ये चार्जिंग कनेक्टर करने शॉर्ट था, अभी इसको भी ऑन कर दिया है शॉर्ट निकाल के, अभी ये पूरा ऑन है। और ये मोटो है, ये इसका बकलाइन के तरफ प्रॉब्लम था, इसको भी ऑन किया है, और ये भी शॉर्ट था, ये पावर एसी करने प्रॉब्लम था, अभी ऑन होना चाहिए। ये सेट पावर एसी करने सप्लाई नहीं आ रहा था, तो इसको डायग्राम के हिसाब से चेक कराया तो एक कैपेसिटर शॉर्ट था, उसको निकाल के दूसरा चेंज कर दिया तो ऑन हो गया। ये जो है मैंने कुछ डायग्राम जो है ड्रॉ किए हैं, अब ये जो डायग्राम है ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, सर ने जो है पर्सनली अपने स्टूडेंटों के लिए तैयार किए हैं। अब क्या है कि एंड्रॉयड फ़ोन को जो है जैसे कि आईफोन है उन्हें हम मॉडल वाइज समझ सकते हैं, गिनती के फ़ोन है 10-20 फ़ोन है, लेकिन जो है एंड्रॉयड का क्या है कि डेली सुबह से लेकर शाम तक एक दो फ़ोन लॉन्च हो जाता है, तो इसके बारे में क्या है कि हम मॉडल वाइज नहीं रिपेयरिंग कर सकते, इतने हम सिमेटिक नहीं सीखने के, इतने हम डायग्राम वगैरह से नहीं सीखने के, तो सर ने क्या इसे जो है बहुत ईजी कर दिया हमारे लिए। अब ये जो है जैसे कि ये PM 660L है, जिसमें PM लगेगा उनकी सबकी जो है रिपेयरिंग एक तरीके से ही होगी, इस तरीके से सर ने बहुत इन्हें शॉर्ट में बिल्कुल ला के हमको बता दिया है, 10 से 15 दिन में ही आप जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं, और हैंड स्किल बहुत अच्छा सर बनाते हैं, प्रैक्टिकल भी जो है हमारा जो है लंच के बाद प्रैक्टिकल चलता है, और प्रॉपर सबको अच्छा सेटअप दिया हुआ है, सब चीज़ बहुत अच्छी है। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने जो है सहारनपुर वासियों को कि अगर इस लाइन में आना चाहते हैं और अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम ना वेस्ट करके AK Info ही ज्वाइन करें, इससे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता कोई भी, और इतना अच्छा सेटअप जो है नहीं हो सकता। और आप आके ट्राई करें, सहारनपुर से इतना दूर तो है नहीं, दिल्ली 2-3 घंटे का रास्ता है, आके यहाँ पर डेमो क्लास ले। सुजीत सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो नहीं मानता मैं आज किसी का होगा, वो इतनी भारी बहुत हार्ड चीज़ को बिल्कुल इजी करके बता देते, जो हम सोच नहीं सकते वो हम जो है सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। ओ थैंक यू सुजीत सर, थैंक यू AK Info टीम।